हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चेक और अनचेक बॉक्स हम गूगल शीट के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, और वो भी हम ऐप स्क्रिप्ट के जरिए यूज़ करेंगे। नॉर्मल तो हर कोई यूज़ कर लेता है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कोडिंग से हो। मतलब कोई भी एक बटन मैं प्रेस करूँ तो वो जो चेक बॉक्स ऑन चेक चेक हो और अनचेक का बटन का काम करे। ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इसको टिक करता हूँ, अनचेक कर दिया और इस बटन पे क्लिक किया मैंने, तो ये देखिए पूरा खाली। और दोबारा इसको टिक करके मैं चेक करता हूँ तो ये देखिए ये आ गया। तो ये छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसकी छोटी सी कोडिंग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कोडिंग होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो समझ में आ गया, ये आप कैसे लाएंगे। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे इंसर्ट करने होंगे। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको, आप कहेंगे कि पता नहीं क्या। अब इसको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, अब कोडिंग के अंदर आते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन लिखते हैं चेक अनचेक, इसके अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया SS स्प्रेडशीट डॉट गेट स्प्रेडशीट। ठीक है, इसके बाद से वेरिएबल हमने ये शीट को एक्टिव कर दिया। और अब हम क्या करते हैं, टैब को एक्टिव करते हैं। कौन से टैब्स लेके आना है, अब टैब देखिए आपका यहाँ टैब सेकंड नंबर में है। तो हमने SS शीट एक्टिव किया हमने, और शीट बाई नेम। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया शीट टू, हमने बाहर आए। एक वेरिएबल उठाते हैं, अब इसमें करना क्या है, इस वाले वैल्यू को उठाना है, ये वाले A1 को उठाना है और इसमें पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, तो A1 में है और बाकी रेंज हमारा A2 से शुरू होता है और A10 तक जाता है। तो एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं हम गेट वैल्यू के लिए, कि फॉर पेस्ट करने के लिए ना, फॉर पेस्ट। ठीक है, शीट में गए, गेट रेंज किए और हमने A1 की वैल्यू उठा लिया हमने, तो यहाँ पे आके गेट वैल्यू कर दिया हमने, यानी कि उस वैल्यू को उठा लिया हमने। अब क्या करना है, हमें नीचे पेस्ट करना है। तो नीचे पेस्ट करना है तो हमें डायरेक्ट कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करना है, शीट को कॉल किया हमने और डॉट गेट रेंज किया हमने, गेट रेंज किया और लिया क्या हमने A2 से A10। ये छोटा हो गया। अब कहने का मतलब है कि ये वाली वैल्यू हमने उठाया और इसमें ले आके हमने यहाँ पे पेस्ट करना है, इस वाले A10 में। मतलब इसको उठाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है इन सब में। तो अब जो है, अब यहाँ क्या करेंगे, सेट वैल्यू, और वैल्यू में क्या आएगा, फोर पेस्ट आ जाएगा, फोर पेस्ट। यानी कि इस वाले रेंज में एक एक करके जाएगा और ये वाले वैल्यू हमारा क्या है, A1 को वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोड तैयार। और बहुत जगहों पे ना वो भी यूज होता है कि सेट चेक अनचेक ये भी यूज कर सकते हैं,
लेकिन हमें तो एक ही बार में डेटा उठाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना, जो भी फर्स्ट सेल में वैल्यू हो उसको नीचे पेस्ट कर देगा, तो चाहे चेक हो या अनचेक हो वो डेटा को वहाँ पे पेस्ट कर देता है। तो फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, सेव कर लिया हमने, और इसके ऊपर जाके मैं यहाँ पे इसको असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने असाइन कर दिया, अब मैं इसको चलाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये देखिए ले लिया इसने, अब मैं इसको टिक करता हूँ, यहाँ पे अनचेक कर दिया इसने, ये देखिए। तो ये 4 लाइन की कोडिंग है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं ऐसे ही नई नई वीडियो लेके आता हूँ, तो चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।